हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस की क्लास नंबर सेकंड पर, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हेल्पफुल रहेंगे डी ट्रिपल एस बी एन वी एस के वी एस किसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज इन तीनों का जो ऑनलाइन पेपर है वो ऑनलाइन पेपर टी सी एस ले रही है और उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल ही सेम है, चाहे जीएस का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान है कि अभी डी ट्रिपल एस बी के एलडीसी टेक्नीशियन ग्रेड स्टेनो का एग्ज़ाम होगा या एनवीएस के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होंगे, सबके लिए हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर सेकंड। अभी तक जिसने क्लास नंबर वन नहीं देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ईजिली से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर सेकंड। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो आपके पास चार ऑप्शन क्या है, आलम खां, खिजर खां, मुबारक खां, मोहम्मद शाह। तो देखिए, दिल्ली का जो पहला सैयद शासक था वो था खिजर खां। कौन था? खिजर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म क्या होगा। जीएसटी के अकॉर्डिंग या जीएसटी के रिलेशन में जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपके सामने चार फुल फॉर्म दी हुई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन इनकम नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखिए, जो इसका फोर्थ आंसर होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं गूगल को किस वर्ष प्राइवेट कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। तो देखिए, गूगल को 4 सितंबर 1998 में प्राइवेट कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है रानी की बावड़ी या रानी का स्टेपवेल, जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहां स्थित है। रानी की बावड़ी या रानी का स्टेपवेल, जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, ये कहां स्थित है। आपको ध्यान है कि रानी की बावड़ी के साथ दो अन्य और चीज़ों को विश्व विरासत सूची में लिया गया था, तो आपको बताना है कि वो कौन सी दो अन्य चीज़ें थी जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो देखिए, रानी की जो बावड़ी है वो है गुजरात में। कहां है स्टूडेंट? गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका? ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, जो असम और डैश को जोड़ता है। देखिए, जो ढोला सादिया पुल है वो असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों को जोड़ता है, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे। आपने पान सिंह तोमर की एक मूवी भी देखी हुई है, ठीक है, जो जिसमें इमरान खान ने रोल किया था, और ये कौन से खेल से संबंधित हैं? ये थे लंबी घुड़दौड़ से। किससे? लंबी घुड़दौड़ से। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने भारतीय उपमहाद्वीप में गजपति साम्राज्य की स्थापना की थी। किस सम्राट ने भारतीय उपमहाद्वीप में गजपति साम्राज्य की स्थापना की थी? तो की थी कपिलेंद्र देव ने। किसने की थी? कपिलेंद्र देव ने गजपति साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट में की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको भी आप सर्च करोगे ताकि आपको लंबे टाइम तक ये याद रहे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संशोधन से संबंधित है। तो आर्टिकल 176 जो कि राज्यपाल द्वारा संशोधन से संबंधित है। आपको एक आंसर देना है कि जो मनी बिल है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। लगभग इन 1-2 महीनों में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनसे कम से कम 5 या 7 बार पूछा जा चुका है मनी बिल। तो आपको बताना है कि मनी बिल कौन से आर्टिकल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च।
तो देखिए प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना थी वो कब लॉन्च की गई, तो वो की गई थी 2000 में। कब की गई थी? 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को, यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा गया है? यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा गया है? तो ये कहा गया है किसको? बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार को अमित्रोचेट्स अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीतकार में से, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार में से कौन किराना घराने से संबंधित है? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीतकार में से कौन किराना घराने से संबंधित है? तो भीमसेन जोशी, जो कि किराना घराने से संबंधित है। मैंने आपको कहा था कल्चर पर विशेषकर आप ध्यान देना, इंस्ट्रूमेंट, डांस, फेस्टिवल, डिश, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सौर पारक शक्ति स्थल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा सौर पारक शक्ति स्थल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो वह है कर्नाटक में। कहां पर स्थित? कर्नाटक में। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।